Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ फर्स्ट बर्थडे शूट के लिए अमेजिंग आइडियाज और टिप्स जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप अपने बेबी का फर्स्ट बर्थडे शूट या कोई भी बर्थडे शूट कराने जा रहे हो. तो आपको ये टिप्स ध्यान रखोगे तो बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही प्यारा बेबी का शूट आएगा. तो सबसे पहला जो टिप है वो है कि आप टाइमली शूट करा लीजिए. अगर आपके बेबी का बर्थडे है तो आपको 1 मंथ पहले ही शूट करा लेना है क्योंकि उससे आपको जो फोटोज़ हैं वो टाइम पर मिल जाएंगे. सेकंड चीज़ ये है कि आपके बेबी का जो वैक्सीनेशन है वो आसपास नहीं होना चाहिए. कि आपने ऐसा नहीं कि आप वैक्सीनेशन के 5 दिन बाद ही शूट कराने जा रहे हो. एटलीस्ट 10 to 15 days का जो मिनिमम गैप है वो वैक्सीनेशन के बाद होना चाहिए. तीसरी चीज़ ये है कि बेबी हंग्री नहीं होना चाहिए प्रॉपर. अगर बेबी फुल होगा तो वो अच्छे से शूट कराएगा, फुल ऑफ एनर्जी से शूट कराएगा और अच्छे से स्माइलिंग पोज भी देगा. फोर्थ चीज़ ये है कि आप बेबी के स्केड्यूल के हिसाब से अगर शूट का टाइमिंग रखोगे तो ये बेटर होगा. क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बेबी के सोने के टाइम पर आपने शूट का टाइमिंग रख दिया तो वो थोड़ा सा क्रैंकी होगा. तो समाव हमने भी मैनेज कर लिया इस ठंडे वेदर में शिविर का शूट, क्योंकि जहाँ हमने शूट कराया था दैट इज सेंट्रलाइज्ड हीटिंग. तो प्रिया ने पहले ही सेंट्रलाइज्ड जो हीटर है वो ऑन कर दिया था, तो फिर भी काफ़ी कम ठंड थी. पर आई विल प्रेफर कि थोड़ा सा आप गर्मी वाले मौसम में, जैसे शिविर का दिसंबर में बर्थडे है तो हमें शूट जो है वो अक्टूबर या नवंबर तक करा लेना चाहिए था, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए. पर फिर भी समहाउ वी मैनेज एंड आई थिंक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स आने वाले हैं जो कुछ दिन में हमें मिलेंगे. तो आप वो पिक्चर के लिए स्टे ट्यून रहिए चैनल पर, मैं ज़रूर फोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी. ठीक है, और ये जो सारी टिप्स मैंने बताई हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखो. कॉस्ट्यूम आपको क्या रखनी है सेटअप के हिसाब से वो सब. एंड केक, यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ केक के बारे में मैं ये बताना भूल गई आपको कि जो अगर आप केक ऑर्डर वो आप या तो फोटोग्राफर को ही बोल दो तो वो अच्छे से अच्छा बेबी के अकॉर्डिंग केक ऑर्डर करेंगे. क्योंकि हमने जो केक ऑर्डर किया था वो बहुत ज़्यादा उसमें फूड कलर था तो वो एक मिस्टेक हो गई. तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए. ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू प्रिया फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड जैसे ही मुझे सारी फोटोज़ मिलेंगी मैं चैनल पर शेयर करूँगी तो आपको और आइडियाज़ मिलेंगी. थैंक